conference will now be recorded. तो माइक चलाया करिए, पापा को थोड़ा कहना पड़ता कि पापा माइक चलाएंगे, पापा ने चलवाया है ना। नहीं, मैंने कुछ किया चलो था उसको। हाँ, पूरा एनसीईआरटी सारी पूरी है दोस्त? एनसीईआरटी पूरी है सारी? सर। काम पूरा है सारा? ग्रेट, गुड। काम पेंडिंग मत छोड़ा करो। चलो जी, सो वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप एवरीबॉडी हैज रिवाइज्ड, है ना, जो भी आपको कहा गया था येसु किया था। येसु तो ठीक है बच्चे, चलिए जी शुरू करते हैं। ये क्यों कह रहा यार तू बंद रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ ठीक है। सो दैट वाज व्हाट वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास। आनिक बॉन्ड शुरू किया था। आई होप पीरियोडिक टेबल तो वो आपको याद ही होगा। आई कैन आस्क एनी मोमेंट, जिससे भी बात कर सकता हूँ। द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, वन इज हर एलिमेंट कोशिश करेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने का। रोहित, व्हाट इज ऑक्टेट? 2 + 6 इलेक्ट्रॉन एन एस एंड एन पी में 8 इलेक्ट्रॉन लेने के रूल को ऑक्टेट रूल बोलते हैं। एंड टेंडेंसी टू हैव लोअर एनर्जी, यू विल फाइंड जब भी कहीं पे भी बॉन्ड बनेगा, सो दैट इज गोइंग टू बी रिजल्टिंग इन टू द एनर्जी रिलीज। एंड एक्सेप्शंस आर नॉट कोटेड। एक्सेप्शंस जो होती हैं वो हम कोट नहीं करते हैं, उनको सेपरेट रखते हैं। हर्षिनी, द वेलेंस बॉन्ड थ्योरी सेज दैट ओनली वेलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। दे मे बी शेयर्ड, दे मे बी गेन्ड, दे मे बी लॉस्ट, समथिंग दैट। एंड दैट इज द रीजन सन वी एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ यू आर रेडी विद वेलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको हर जगह पे रदर आज आपको जरूरत और महसूस होगी। अगर आपको आज याद नहीं है तो फास्फोरस हैज 5 इलेक्ट्रॉन, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेस ट्रबल। सल्फर हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देन यू आर इन ट्रबल टुडे। सो इनफ हैज बिन वॉर्न्ड, है ना। अमोदिनी, क्या हाल है डॉली? इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में बिटिया तेरे को कराया था आयनिक बॉन्ड। द यस सर। आयनिक बॉन्ड इज द इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज अ बॉन्ड बिटवीन। बॉन्ड का मतलब बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है। दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। बेसिकली इट्स टाइप ऑफ फिजिकल फोर्स, है ना। जो हम फिजिकल फोर्स होती है वो होती है मैग्नेटिक फोर्सेस, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो फोर्सेस होती हैं। जो केमिकल फोर्सेस होती हैं वो हम बोलते हैं लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, शेयरिंग से आता है। आयनिक यस और सर। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड वॉज डिस्कस इन डिटेल, एंड वी रिमेम्बर दैट कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल आयनिक बॉन्ड इज आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए गुड़िया? कम से कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक ही चीज है, शुड बी वेरी हाई होनी चाहिए। हाय लैटिस एनर्जी शुड बी हाई, मतलब मोटे तौर पर कॉन्सेप्ट देखिए ना, तो एनर्जी रिलीज शुड बी मोर एंड उससे स्टेबिलिटी आएगी। एनर्जी रिक्वायर्ड शुड बी लेस। और लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन स्मॉल साइज, स्मॉलर द साइज द मोर द लैटिस एनर्जी। द चार्ज ऑन द आयन शुड बी लार्ज एंड बोथ आयन शुड हैव नियरली सेम साइज फॉर एफिशिएंट पैकिंग। ये इसको थंब रूल बोलते हैं, लाइक ऑलवेज लाइक सिमिलर चीज। छोटा छोटे एटम के साथ, बड़ा एटम बड़े के साथ फॉर्म्स अ स्टेबल बॉन्ड। देन केमिकल बॉन्डिंग में आगे जाते हुए वी स्टार्टेड दिस पोर्शन इंट्रा। व्हाट इज इंट्रा? विद इन अ मॉलिक्यूल। आयनिक बॉन्ड हैज बीन डिस्कस्ड, नाउ आवर एजेंडा इज गोइंग टू बी द कोवेलेंट बॉन्ड। सो कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड के मुकाबले काफी लंबा होगा। इसमें हम आपसे काफी चीजें डिस्कस करेंगे। हम आपको कोवेलेंट बॉन्ड बताएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप आएगा जिसे नोन एज डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एंड कोवेलेंट बॉन्ड विल बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू पोलर एंड नॉन पोलर। सो लेट्स मेक दिस कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे करके आगे चलते हैं। अंशुल बात करेगा बेटे। अंशुल, कोवेलेंट बॉन्ड, द कोवेलेंट, कोवेलेंसी, इकट्ठे होके जीने की टेंडेंसी। इट इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड
बिटवीन टू एटम बाय म्यूचुअल. यू अंडरस्टैंड म्यूचुअल का क्या मतलब? मैंने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया, आपने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया, दैट इज गोइंग टू बी द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेट इट बी दो ब्रदर्स हैं, दो सिस्टर्स हैं, दोनों के पास लेट इट बी ऐसे ही बोल दिया 100 स्क्वायर मीटर के घर. व्हाट दे डू इज दे थिंक हमें एक बड़ा घर बनाना चाहिए. सो दे कॉन्ट्रीब्यूट 100 मीटर ऑफ वन ब्रदर, 100 मीटर ऑफ अनदर. नाउ दे हैव अ बिगर हाउस, दैट इज 200 मीटर स्क्वायर मीटर का हाउस बन जाता है. नाउ प्रभाकर, हैलोजन्स के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? Yes, Prabhakar. 7, sir. Good, Gudiya. Everybody, please be prepared with that. तो अगर मैं फ्लोरीन के ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन लुईस रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लिखूं तो समझ आएगा? Yes, sir. दूसरे फ्लोरीन के पास भी तो 7 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, तो डॉट्स देख पा रहा है. अब इनसे अगली नोबल गैस कौन सी है? नियॉन. उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8. तो ये दोनों क्या करते हैं? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं. वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच साइड इज बीइंग शेयर्ड. ठीक. ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ये ना इस फ्लोरीन के हैं ना इस फ्लोरीन के हैं, दे बिलोंग्स टू बोथ ऑफ देम. दैट इज गोइंग टू बी द कोवेलेंट बॉन्ड. वन वन इलेक्ट्रॉन. अब प्रभाकर देखना, जरा काउंट करना. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन. ठीक. अब एवरेज, एवरेज का मतलब जो आपने शेयर किया ना उसको भी देखते हैं. सो 2, 4, 6, 7, 8. समझ आया? एवरेज का मतलब होगा उसने जो शेयरिंग के बाद इलेक्ट्रॉन होंगे. सो दैट इज दोनों के पास अब कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 8. उन्होंने हैंडशेक कर दिया है. दैट इज गोइंग टू बी द कोवेलेंट बॉन्ड. बढ़िया. सिमिलरली मैंने क्लोरीन दिखाया था बट ये मैंने एग्जांपल जानबूझ के क्रिएट कर दिया है. वापस आते हैं. सो दैट वाज द एजेंडा ऑफ टुडेज स्लाइड. कोवेलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू एटम्स दैट शेयर इलेक्ट्रॉन. ये इसका, ये इसका. So that is going to be the covalent bond has been formed. चल सकते हैं आगे? चल yes, sir. जो बहुत चीजें सीखेगा बेटे, observation से सीखना है ना. कई चीजें ऐसे आएंगी जो तुम्हें observe करनी होगी, जो तुम्हें सीखनी होगी. हर चीज आपको आती है बेटा, ऐसा नहीं होगा. चुप. I introduce a single bond. What is single bond? Abbreviation SB रखूंगा. If each combining atom shares one electron each. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन को देखो. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन को देखो. मैंने कलर कॉन्ट्रास्ट बनाया है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट व्हेन यू ड्रॉ यू शुड ड्रॉ लाइक दिस. सो दोनों ने कितने कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं? 1. सो वी सिंगल बॉन्ड हैज बीन फॉर्मड. सो थ्रू आउट द केमिस्ट्री, नॉट हेयर, जब भी आप कभी भी साइंस पढ़ेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन को हम हाइफन के जैसे लिख देते हैं. Wherever I write hyphen between two atoms, that means it has how many electrons on the two. हम जल्दी ही, कोई बंदा याद नहीं करेगा, हम इसको bond pair का नाम देंगे जिसने sharing करवा रखी है, जो कि bonded state में है, जो कि बंधा हुआ state में. तन्वीर भुल्लर, double bond बेटे. The second type of covalent bond I'm introducing is double bond. Abbreviate karunga DB. If each combining atom contribute a share two electron each, that will be known as double bond. Tanvir, often agar problem hai to gudiya mute kar jana, koi issue nahi hai. Each oxygen ke paas bade kitne electron hai bhula? 6. Oh, 6. तो देख, मैंने काले वाले रंग से एक ऑक्सीजन एटम बनाया है. आई हैव शोन 6 इलेक्ट्रॉन. आर यू एबल टू सी? 1, 2, 3, 4, 5, 6. नाउ द अनदर ऑक्सीजन व्हिच आल्सो हैज 6 इलेक्ट्रॉन कम्स एंड दे फॉर्म अ बॉन्ड वेयर ईच इज कंट्रीब्यूटिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन बेटे? 2. 2 इलेक्ट्रॉन, राइट. तो इसको हमने हाथ नहीं लगाया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको भी हमने हाथ नहीं लगाया. तो
आप चाहते तनवीर आप इसको दो हाइफन दिखा सकते हैं. डू यू अंडरस्टैंड दो हाइफन? एक हाइफन का मतलब दो इलेक्ट्रॉन. सुनो, यहाँ हाइफन दिखाएगा या डॉट दिखाएगा आपकी मर्जी है, राइट? आपको जो आगे चल के आसान लगा या जो बाकी लोग डिस्कस करते हुए हम उसी प्रकार से हम उसको यूज करेंगे. अब तनवीर इस मॉलिक्यूल को देख बेटे, ये देख मैं ग्रीन पेन से इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूं, राइट? ग्रीन पेन से इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूं. नाउ काउंट ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6. समझ आया गुड़िया? यस सर. अब एवरेज का, एवरेज का होता है मतलब जो शेयर में आगे उसको कैलकुलेट करेगा. एवरेज में एक हाइफन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? दो. 2, 4, 6 and 8. Do you understand? अब तनवीर, yes sir. वाले जो है ये वाले, इसको क्या बोलता है? बॉन्ड पेयर. बॉन्डेड. बॉन्ड पेयर यू आर ऑब्जर्विंग मीडियम टू. यस. एक ऑक्सीजन के ऊपर ये पेयर जोड़ा ये बैठा है, एक ये बैठा है. इसको मैं नाम देता हूं, अब आपका पीछा नहीं छोड़ेगा ये पूरी केमिस्ट्री में, लोन पेयर, राइट? एलपी. इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर हैं? दो. और इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने हैं? दो. तो गुड़िया टोटल लोन पेयर इसमें कितने आ गए हैं? फोर. समझा? गुड. यस सर. फाइनल टाइम, वी विल डू इट मेनी नंबर ऑफ टाइम्स. आप सिर्फ इसको नॉवल के जैसे, न्यूज़पेपर के जैसे पढ़ने की कोशिश करिए. अमोदनी अनम्यूट हो गुड़िया. अमोदनी द ट्रिपल बॉन्ड लेके आ रहा हूं बेटे. इफ ईच कंबाइनिंग एटम शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन ईच. बहन नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5. तो दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 5 ही हैं अमोदनी. बिल्कुल सही बोला. यस सर. तो या तो इसको ऐसा दिखा दे या आगे चल के आप ऐसा दिखाएंगे. अगर इस मॉलिक्यूल को देखता है, इस वाले को, इसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं? 3. और एक नाइट्रोजन के ऊपर कितने लोन पेयर हैं? 1. 1. तो नाइट्रोजन के ऊपर कितने लोन पेयर आएंगे? 2. राइट. दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग. दिस इज द बिगिनिंग प्लीज. तो देवांशी इलेक्ट्रॉन पेयर्स गुड़िया, मैं इसको ईपी के नाम से बोलूंगा. देवांशी यू विल सी अनलेस एंड अंटिल सम स्पेशल थिंग कम दैट इलेक्ट्रॉन्स विल बी कमिंग इन पेयर, जोड़ा, राइट? यस. कंपनी बना के भेजेगा भैया. तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ईपी का मतलब अगली बार समझ आना, आर ऑफ टू टाइप्स. बॉन्ड पेयर, दीज फॉर्म्स बॉन्ड. मैंने और आपने हैंडशेक किया है तो हम लोगों को जिसने बेसिकली जोड़ा है दैट इज द बॉन्ड पेयर. बट एट द सेम टाइम मेरे वैलेंस शेल में कई और इलेक्ट्रॉन भी बैठे हैं, हम उनको क्या ले सकते हैं? लोन पेयर. दीज आर प्रेजेंट एज नॉन शेयर्ड ऑन ईच एटम. गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल बेटे, ऑक्सीजन के अंदर आपके पास 2 हो जाएंगे बॉन्ड पेयर. यस. ईच ऑक्सीजन, ये आपकी ऑब्जर्वेशन आगे बढ़ती चली जाएगी, आपको अपने आप पता लग जाएगा कौन सी फैमिली कितने लोन पेयर दिखाती है. विल बी हैविंग 2 लोन पेयर ईच. ये बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर के ऊपर इनको फर्क डाला करेगा. सो इज इट क्लियर राइट नाउ? आई हैव इंट्रोड्यूस्ड सिंगल बॉन्ड, आई हैव इंट्रोड्यूस्ड डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर. डिस्कशन आगे बढ़ता है. जैसे आज से 2 महीने पहले 3 महीने पहले ना मैं आपको जानता था ना आप मुझे जानते थे. हम एक दूसरे की शक्लें नहीं पहचानते थे, हम एक दूसरे का स्वभाव नहीं पहचानते थे. धीरे धीरे करके आपने मेरे बारे में, मैंने आपके बारे में सीखा और सीखूंगा तो हमारी दोस्ती बढ़ती चली जा रही है. अगर मैं आपको देखता ही नहीं तो क्या मैं आपको भीड़ में पहचान सकता था? नो. तो ऐसे ही हम आपसे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स बनवाएंगे. सो डोंट वरी, किसी को भी ऊपर से सीख के नहीं आया है. धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे, आप उसको सीखते चले जाएंगे, आपको वैलेंसी के बारे में पता लगेगा, आपको और बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगेगा.
फॉर एग्जाम्पल इस अगर मैं अग्रिम से बात कर रहा हूं, अग्रिम तुम्हें बैकग्राउंड पीरियोडिक टेबल में से आ रहा है, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, क्या अग्रिम ये समझ आया पूरी? यस सर पूरी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे? यस सर पूरी, जब डॉट डॉट बताया करेगा ना तो उसको बोलते हैं बेटे लुईस, पढ़ के बता, रिप्रेजेंटेशन। और जब बॉन्ड दिखा देता है इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अभी जब आप सीख रहे हैं तो हम आपसे लुईस रिप्रेजेंटेशन के बारे में पूछेंगे, जब आप सीख चुके होंगे तो हम लुईस रिप्रेजेंटेशन को बाय बाय कह देंगे, क्योंकि अब तब हमारे पास और बहुत चीजें करवाने को आ जाएंगी। गायकी आज माइक सही है? गायकी ऑप्शन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है गुड़िया? -2 सिक्स, -2 चार्ज होता है, वो कुछ और चीज है। यस सर ठीक है सर। -2 कहां से आ गया? क्लास अभी सर, अभी लास्ट में लगाई ना तो पता ही नहीं लग रहा क्या करवा रहे हो अभी। तो पता नहीं लग रहा तो मेरी 48 घंटे पहले क्लास हुई थी, तो आपने बैकलॉग क्यों नहीं क्लियर किया? नहीं सर वो तो कर लिया सर, अभी 15 मिनट लेट क्लास ज्वाइन करी। अच्छा ओके 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 ओके, मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड करा रहा हूँ बहना, तो मैं ऑक्सीजन बना रहा हूँ क्योंकि ऑक्सीजन में पिछली पेज पे भी बना चुका था। सो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। एक तो बच्चे लेट आए हैं तो उनके लिए नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। सो रिकॉर्डिंग जरूर देखना जो लेट आए हैं, तो यहाँ पे 3-3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करते हैं और आपके पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है। मतलब नाइट्रोजन का अगर आप स्ट्रक्चर देखने जाएं तो उसके बीच में 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक नाइट्रोजन के ऊपर एक एक लोन पेयर आ रहा है। कपूर चल आपसे बात करते हैं बेटे। कपूर आपको ना एक चीज पता लगनी शुरू होगी, वैलेंसी। वैलेंसी होती है गुड़िया बॉन्डिंग कैपेसिटी। बॉन्डिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है। लाइक मेरा ख्याल तो पता ही होगा कार्बन की बॉन्डिंग कैपेसिटी इज कितनी है? 4। बोलते हैं तो गुड़िया कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। Very right. So, do you understand its Lewis representation? Yes, sir. Can I draw each hydrogen as the different color? आपको अपने स्कूल में अलग पेन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो सिखा रहा हूँ ना, तो दिखा रहा हूँ। You can show one pen. Rather, you should show with the help of one pen only. It is your teacher responsibility. वो इलेक्ट्रॉन। बुढ़िया समझ आया? Yes, sir. ये 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन टोटल एंड 8 इलेक्ट्रॉन अपने के नियरेस्ट गैस 8 इलेक्ट्रॉन के जैसा बिहेव कर रहा है। यस सर, दिस इज नोन एज गुड़िया लुईस रिप्रेजेंटेशन। योर स्कूल विल बी आस्किंग यू इनिशियली एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हिच रिप्रेजेंटेशन? द बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। जल्दी बेटे आपको इनके स्ट्रक्चर भी बताए जाएंगे, बट उसके लिए आपके अभी थोड़ा समय लगेगा। समझ पा रहा है? गुड बॉली। एक मॉलिक्यूल आप मेरे साथ करेंगे फिर आप म्यूट कर सकते हैं। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम जिसके आसपास पूरा मॉलिक्यूल खड़ा होता है, राइट? जैसे आपके पेरेंट इज द सेंट्रल, मम्मा पापा दोनों को ही हम इक्वल रखते हैं, दे आर द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फैमिली। तो आपकी प्रैक्टिस है, नॉलेज है, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। आप देखेंगे जिसकी वैलेंसी ज्यादा है वो सेंट्रल एटम होगा, बड़े कारण आएंगे, बट दैट विल बी योर ऑब्जर्वेशन सर। ऑक्सीजन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 6। वेरी राइट। सो इट इज माय प्रैक्टिस, यू विल बी लर्निंग वेरी सून। नॉक नॉक, वन मोर हाइड्रोजन कम्स, इट इज हैविंग वन शॉट, so it shares one electron. One more hydrogen comes, it shares one electron. Now आप ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हैं? 8। आपने बिल्कुल सही बोला था, आपने ऑक्सीजन के बोले थे, मैंने टोटल बोले थे, आपने बिल्कुल सही बोला। अच्छा, okay. One, two,
4, 5, 6, 7. Six, Then my question eight. was not, so that is you could not understand which type of bond I am asking. So गुड़िया, ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड पेयर आपको दिख रहे हैं? बॉन्ड पेयर टू टू वन दिस टू वन टू कितने लॉन्ग पेयर नजर आ रहे हैं? टू टू यस सर टू वेरी गुड. अन्य अरोड़ा वैसे बात करेंगे. अन्य, नाइट्रोजन हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट? दिस इज कमिंग फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल सर. 5. सो ईच हाइड्रोजन शेयर्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? अन्य, 1 ईच. सो गुड़िया, यू कैन कॉल इट बॉन्ड पेयर, यू कैन कॉल इट बॉन्ड पेयर, यू कैन कॉल इट अरोड़ा बॉन्ड पेयर, एंड दिस विल बी द लॉन्ग पेयर. So this will be the structure of ammonia, right? 3 hydrogen bond pair, 3 bond pair, Aroda, 1 lone pair, right here? Keep on learning. बड़ा लंबा रास्ता है. So Aroda, mic चल रहा है गुड़िया? तो नहीं, तो इशिता बात करें दोबारा. इशिता, boron has how many valence electron? See, at the heart, at the heart jump periodic table is speaking. Boron atomic number iska 5 hai, iska period number is going to be 13 hai, iske paas valence electron is 3. So agar aapne, main kafi der se atomic structure se aapko ye keh raha hu ki bonding mushkil ho jayegi, those who have not remembered it इमीडिएटली आज की क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में ये रेडी होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी और वो कभी पूरी नहीं होंगी. सो ठीक है चुक, आप मेरे साथ रहिए. तो आप बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हैं चुक साहब? यस सर. ईच फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं? यस सर. 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है दोस्त, तो ये फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है, समझ गया? Now, दूसरा फ्लोरीन आता है दोस्त, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है, ठीक? ऊपर जगह नहीं है तो उसको रब कर देते हैं, तो हम उसको नीचे बना देते हैं, है ना? तो ऊपर यहाँ पे जगह नहीं है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको नीचे बना देते हैं. तो हम इस फ्लोरीन को यहाँ पे बना देते हैं. सो इट इज शेयरिंग इट्स 1 इलेक्ट्रॉन with this. Do you understand, bade? This is the bond pair, this is the bond pair, this is the bond pair, and central atom chuk aapne seekha hai kaun sa hai? Boron. Boron, right? Boron ki valency kitni nikal ke aa rahi hai? 3. 3. The valency of boron is 3. Let's use next page, so that will be good. Ethanol banate hain chuk, theek? Yes. Okay. मेरी रनिंग हैंड से आपको थोड़ा सा गुजारा करना पड़ेगा. दिस इज कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, एग्रीड? दिस कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन बच्चे, दिस ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन, दिस कार्बन शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विद द हाइड्रोजन, वन मोर हाइड्रोजन दोस्त, वन मोर हाइड्रोजन बेटे, राइट? वन मोर हाइड्रोजन, वन मोर हाइड्रोजन एंड वन मोर ऑक्सीजन. आर यू एबल टू सी अ बॉन्ड पेयर? आर यू एबल टू सी अ बॉन्ड पेयर? अ बॉन्ड पेयर, राइट? मेरा फोटो नहीं आ रही है क्या? कैमरा नहीं आ रहा क्या सर? कैमरा नहीं आ रहा था आपको सर? कैमरा क्यों नहीं आ रहा? अच्छा पता नहीं, अच्छा हो सकता, कोई बात नहीं, अब मैं उसको नहीं करूंगा. मेरे ख्याल होना मेरे एंटीवायरस ने उसको रोका हुआ है, पर सबको दिख रहा है ना? बाकी सब ठीक है ना? यस सर, अब आ गया सर, अब आ गया. अब वो एंटीवायरस ने शायद रोका हुआ था उसको, तो उसने ना शुरू शुरू में मांगा था ना, मैंने उसको रोका था, तो उसने अपने आप ही उसको अनफ्रेंडली कर दिया.
गुड बढ़िया। चुप, बिल्कुल याद नहीं करना मेरे दोस्त, है ना? और यस सर। जल्दी, ये देख नीचे वाला डायग्राम बिल्कुल सही है। CH3 कार्बन की वैलेंसी सी देखिए, राइट? हम आपको इससे कहीं आगे ले जाएंगे, राइट? दिस इज गोइंग टू बी ओके। CH3 यस CH2OH, कार्बन की वैलेंसी अग्रिम 4, कार्बन की फोर वैलेंसी 4, और आपकी सीखो, है ना? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, टू ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आगे भी बढ़ेगी। प्लीज इसको याद मत करिए, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे द थिंग्स विल बिकम इवन बेटर। अग्रिम चल मेरे दोस्त, मेरे से बात कर, यस सर। ठीक? अग्रिम, ये चीजें इतनी आसान होती है ना कि मैं बता रहा हूं कि आप तकरीबन 15-20 दिन के बाद ना आप इसको रिवाइज भी नहीं करेंगे। अग्रिम, आपके स्कूल के लिए एक क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं। ड्रॉ लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिटिक एसिड, राइट? आपको ऊपर वाला स्ट्रक्चर मुझे लगता है ज्यादा कंफर्टेबल लगना शुरू हो जाएगा या हो गया होगा, ये जो ऊपर यस वाला। सर, यस सर। तो ये सिर्फ स्कूल के लिए बता रहा हूं, आप ऐसा स्ट्रक्चर पेंसिल से बना लेना। उसके बाद हर हाइफन में अग्रिम दो दो डॉट्स दिखा देना, समझ आया? यस सर। ये वाला स्ट्रक्चर जो हम नीचे बना रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज कौन सा स्ट्रक्चर मेरे दोस्तों? लुईस लुईस स्ट्रक्चर। ल्यूस स्ट्रक्चर, राइट? और तो ये मैंने क्यों दिखा दिया, मुझे यहां पे भी डॉट डॉट दिखाने थे। ये सिर्फ स्कूल के लिए कर रहा हूं, मैं जल्दी इसको छोड़ जाऊंगा, तो आपको पता है क्यों? क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग बन जाएगा। अब अग्रिम भैया, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सिक्स सिक्स तो गुड, आप लोगों को सबको प्लीज, एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के नजर आ गए, यस सर। यस बाकी के कितने बचे हैं? टू फोर फोर फोर, अच्छा फोर। तो 2 पेयर्स में दिखा दो मेरे दोस्तों। मैंने यहाँ गलती कर दी थी, यहाँ पे भी हाइफन होना, ये 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब दोस्तों ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 2, और क्या होना चाहिए था आपके पास? 2 पेयर्स होना चाहिए, मतलब आपके पास यहाँ पे क्या होंगे? दो दो लोन पेयर होंगे। डू यू अंडरस्टैंड? यस यस सर। गुड। तो ये हमारा क्या नाम है, उत्कर्ष, बात करेंगे आप मेरे से? उत्कर्ष, यस इसको बोलते हैं बेटे नेल पॉलिश रिमूवर, एसीटोन। सर। एसिड। एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर। तो उत्कर्ष, सिर्फ अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आई होप आप थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल फील करना शुरू हो चुके होंगे, है ना? यस उत्कर्ष, मुझे कार्बन के इलेक्ट्रॉन टोटल, टोटल का मतलब एवरेज, हाइड्रोजन से भी मुझे बताइए कितने होंगे। जल्दी करो यार एट चिता। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला। सर। हाँ देखो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। प्लस यहां पे ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, 2 4 5, यस सर। यू अंडरस्टैंड बड़े? यस सर। ये चीज इतनी आसानी होगी कि बहुत जल्दी आप इसको बनाना बंद कर जाएंगे। बेंजीन, उत्कर्ष मेरे साथ रहिए बेटे, बनाने वाला तो नेचर है ना, ठीक है ना? तो हम ये नहीं कह सकते हैं ऐसा क्यों है, वो स्ट्रक्चर उसने बनाए, नेचर ने बनाए। हम सिर्फ आपको उसका एक्सरेज लेके उसको बताते हैं कि वो ऐसा हो। उत्कर्ष, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 सर। और तो मैं सारे स्ट्रक्चर्स बनाने लगा हूं, अपने आप आपको समझ आ जाएगा। मैंने हर कार्बन का दो दो इलेक्ट्रॉन आपको दिखा दिए, है ना?
हम ऑनलाइन में भी दिखा देते हैं दोस्त, थोड़ा आसान होना शुरू हो जाएगा, आपकी आंखें एडजस्ट करनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है दोस्त, ये समझ आ गया। अब मैं पेन इसलिए चेंज कर रहा हूं कि आपकी कॉन्ट्रास्ट से ना वो कलर दिखता रहता है। तो विशेष उत्कर्ष, एक एक इलेक्ट्रॉन मैंने हाइड्रोजन को दे मारा है, ठीक, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को। साक्षी हो जाए, इसके बाद आपसे बात करूंगा बेटा, तैयार हो जा। ठीक, तो उत्कर्ष क्या ये समझ आ गए? यस उत्कर्ष, जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं इस वक्त, आपको कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पड़ोसियों के मत लेना, नजर आ रहे हैं? सर, 3 आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहा है यार, गुड उत्कर्ष, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। साक्षी हो जा, अनम्यूट हो जाइए। यस साक्षी, नाउ साक्षी, आर यू एबल टू सी कार्बन का फोर्थ इलेक्ट्रॉन नाउ? यस साक्षी, बढ़िया, नई नई चीजें सीख रहा है। हर कार्बन के ऊपर एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया। एक मिनट रुक साक्षी, इसको ना इधर दिखा देता हूं, उधर बॉन्ड लाइन में चलेंगे बेटे। साक्षी हो जाए, आई एम शोइंग कार्बन का एक एक और इलेक्ट्रॉन। आपको अभी अपने आप समझ आ जाएगा कि लुई रिप्रेजेंटेशन क्यों अच्छी नहीं है। अब देखिए बेटे, कार्बन के यहां यहां पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल डॉट थोड़ी इलेक्ट्रॉन थोड़ी ज्यादा नहीं मिलने। इलेक्ट्रॉन। मैंने खुशी खुशी में ज्यादा लगा दिया? यस ये सारा अमोदनी ने किया, मैंने नहीं किया। अमोदनी ऐसे मत किया कर, ठीक है अमोदनी? तो सॉरी डालिएगा सर। इनके लगाएंगे। अब चेक करना अमोदनी, दो छह छह इलेक्ट्रॉन बनाने बेटे, तीन चार पांच और छह, है ना अमोदनी? अब ठीक है गुड़िया, यस सर, अब ठीक है। अब यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पे डबल बॉन्ड। ये किसका स्ट्रक्चर है अमोदनी? बेंजीन। बेंजीन। चुप, बढ़िया। और चुप साहब, आप आगे चल के ऑब्जर्व करेंगे बेटे, हम अक्सर कार्बन एटम्स को नहीं दिखाते हैं, हम इसको कभी कभार ऐसे भी लिख देते हैं, बट अभी के लिए बेटे आप स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 देखो। बट हाँ, अगर आगे चल के आपको 3 दिखा तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस इज किसका स्ट्रक्चर है, बेंजीन बेंजी का स्ट्रक्चर है। राइट, ग्रेट, आगे चल सकते हैं। वंशिका, विल यू लव टू टॉक टू मी? यस, एक मजेदार चीज करते हैं। राइट, एट द हार्ट ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ इज दिस थिंग, राइट, दिस विल कम। मैं अगर आपसे एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन पूछूंगा तो आप मुझे बताएंगे 3। वेलेंस बताने हैं क्योंकि वेलेंस पार्टिसिपेट करते हैं। सिद्धार्थ, फास्फोरस के 5, ब्रोमीन के 7 एंड सो ऑन। हम टेंशन मत करेगा, हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में खेलने वाले हैं क्योंकि मेटलिक बॉन्डिंग बॉन्डिंग ही अलग होगी, दैट विल बी डिस्कस्ड ऑल टुगेदर डिफरेंटली। यू विल नीड 5-6 एग्जांपल्स टू कोरिलेट। आराम से बैठ जाइए, ठीक है जी, और रिकॉर्डिंग को भी जरूर देखिएगा। अब आपके हाथ में एक बहुत बड़ी चीज आने वाली है, आपको काफी हद तक मेरे से आप इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंस हो जाएगी थोड़ी देर में। हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल, यहाँ पे रखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, जो पहले तो मनम्यूट हो जा रहा, बॉन्ड पेयर और यस लॉन्ग पेयर। एवरीबॉडी प्लीज, यू विल टेक 7-8 एग्जाम्पल, आफ्टर दैट यू विल फील अ ग्रास्प। ओके, 7-8 एग्जाम्पल्स बेटे, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो मुझे अगले पेज पे भी जाना है, तो मैं इसकी खूब सारी डुप्लीकेसी कर रहा हूँ, ठीक है जी? चलिए आराम से, चुपचाप, कोई जल्दी नहीं है, ठीक। बेरिलियम फ्लोराइड, सेंट्रल एटम, अगर नहीं पता है तो मेरे ऊपर यकीन करना, ठीक। आई हैव नो, बेरिलियम बेरिलियम है, ठीक है बेटे, वो एक्सपीरियंस है।
बेरिलियम के आपने इलेक्ट्रॉन लेने हैं दोनों, टू ईच फ्लोरीन कंट्रीब्यूट कितना करता है, वन, तो ईच फ्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन आगे मिला के दोनों के दो, पेयर्स बनाने के लिए डिवाइडेड बाय टू, डिवाइडेड बाय टू, पेयर्स कितने आगे दोस्तों, दो, टू, बी एफ थ्री, बोरोन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बोरोन क्या है, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के पूरे इलेक्ट्रॉन लेता हूं, साइड वालों के जितने देते हैं वो सेंट्रल एटम को उतने लेता हूं, प्लस थ्री डिवाइडेड बाय टू, बी एफ थ्री में कितने पेयर्स बनेंगे, तीन, थ्री, सी एच फोर, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है, फोर, ईच हाइड्रोजन कॉन्ट्रीब्यूट वन ईच, प्लस फोर डिवाइडेड बाय टू, कितने हो जाएंगे, पी सी एल फाइव, फाइव फ्रॉम फास्फेट, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी विस्मत, फाइव फ्रॉम क्लोरीन बाय टू, कितना हो गया दोस्तों, पांच। अब दोबारा देखिए, चुग कितने एटम यहां पे थे, टू, तो बॉन्ड पेयर होंगे दो, लॉन्ग पेयर होगा जीरो। अभी सिर्फ देख, कुछ याद नहीं करने को कह रहा, 50 केस करवाऊंगा, ठीक है बच्चे, कोरिलेट कर, ऑब्जर्व कर, कितने एटम थे, थ्री, तीन होंगे बॉन्ड पेयर, लॉन्ग पेयर होंगे जीरो, जीरो, कितने एटम्स थे, फोर, बॉन्ड पेयर लॉन्ग पेयर होंगे जीरो, कितने एटम यहां पे थे, फाइव, प्लस जीरो, जीरो, जस्ट देखता रहा, अभी देखता रहा, देख क्या जादू आएगा, बड़ी मजेदार चीज आएगी, ठीक, अभी निकलेगा, अपने आप निकलेगा, चिंता मत करिए। अब दोस्त, अमोनिया सेंट्रल एटम फाइव, हाइड्रोजन थ्री, टू, फोर, फोर, कितने एटम मेरे दोस्त, थ्री, मिला के कितने, प्लस वन, राइट, इट विल अनफोल्ड ऑटोमेटिकली इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट कीप ऑन ऑब्जर्विंग, दिस इज वॉटर, सेंट्रल एटम विच है ऑक्सीजन, अमोदनी रेडी हो जा, प्लस टू बाय टू, फोर, एटम कितने, माइनस, दोबारा बोल सर, टू, और लॉन्ग पेयर कितना, टू, अरे मिला के बॉन्ड पेयर और लॉन्ग पेयर बराबर बनते हैं ना, ये सब, तो वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर कितने लॉन्ग पेयर हैं, टू, टू, राइट, दिस इज, अब देखो नई नई चीजें आपको अपने आप पता लगेगी, मैं नहीं कर रहा हूं कुछ, दिस इज XeF2, आपने तो शायद इसका स्ट्रक्चर भी पहले नहीं देखा होगा, ज़ीनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एट, टू, एट, सो एट प्लस टू, सर कंप्लीट, सर पार्टिसिपेट करेंगे ना, कंप्लीट, ज़ीनॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एट, प्लस टू, फ्लोरीन से अग्रिम कितने लिए, टू, टू, बाय टू, अपॉन टू, मिलाके फाइव, फाइव, भाई एटम कितने हैं, टू, लॉन्ग पेयर कितने होंगे, थ्री, बट आई एम डूइंग इट नाउ, यू आर पिकिंग अप, प्लीज कम हेड, बाकी लोग भी आ गया, ये राइट, ईसीएल फाइव, ये तुल्य आ गया, फाइव बाय टू, फाइव प्लस फाइव, फाइव बाय टू, फाइव, फाइव प्लस, फाइव प्लस जीरो, जीरो, पहले बॉन्ड पेयर बोलने हैं, फिर लॉन्ग पेयर बोलने हैं, कदम तुली आप में से बात करिए, कदम फास्फोरस, यस सर, फाइव, क्लोरीन थ्री डिवाइडेड बाय टू, टू, कितना निकला गुड़िया, फोर,
गुड, दोबारा देखो, खूब सारे, चिंता ही नहीं। मैंने बोला 10-15 केसेस के बाद आप पिक करेंगे। आप लोगों को शायद, जिसको नहीं समझ आ रहा प्लीज मेरे से बात करें, हम उसके साथ बात करते हैं, कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि ये आगे समझ के जाना होगा। ये तुल्ली तुम्हारे से बात कर रहा हूँ, एसेंशियल टू कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम 10 लेड 4 प्लस 2 2 It is going to be 3. 3. कितने? 2+1+1 पता क्या होगा? तो जब भी ये बॉन्ड बनाएगा, ये देखो आपको 10 के 4 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 है ना? Yes, sir. Good. CLF3 तुली, क्लोरीन बड़े वाला नॉर्मली सेंट्रल एटम होता है, ये तेरे को सीखना ही पड़ेगा। राइट, पड़ोसी की आंटी, पड़ोसी के अंकल, 7 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
is equal to 6. 5 plus 1. 5 plus 1. Great. Right? X, E, F, 7. 8 plus 7 8 plus 7 plus गड़बड़ी हो गई मेरे से खुशी खुशी में गड़बड़ी हो गई वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता बच्चे तो 7 7 plus 7 upon 2 is equal to 7 is equal to 7 plus 0 very good you people are doing it I'm not doing anything now xcf 6 8 plus 6 upon 2 is equal to 7 is equal 7 to plus 6 plus 1 7. This formula will never ever fail you, right? Never ever. Siddharth, मेरे से बात करेंगे आप? Yes, Siddharth. Come on, Siddharth. मुझे हर किसी को focus में लेना जरूरी है. साक्षी हो जा. अरे वाह, Siddharth. Siddharth बात करेंगे. Siddharth बात करिए please. तो Siddharth देखो, आराम से बैठ बैठे. Question पूछ. क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ पूछ. Central atom दोस्त. Nitrogen. Five. हाइड्रोजन के 5 समझ yes, हाइड्रोजन के 4 समझ yes, आए बेटे और yes, तो मतलब एक गया सो 1 माइनस 1 2 सिद्धार्थ मेरे कितने हो गए दोस्त 4 एटम कितने हैं लॉन्ग पेयर कितने होंगे जीरो राइट नमन मैं आपसे कोशिश करूंगा कि आप मेरे से बात करिए अगर माइक चलता है तो बीच में हेलो कर दे नमन तो ऑप्शन इज 6 लास्ट समर और 3 हाइड्रोजन के बेटे एक गया पॉजिटिव का मतलब समझता है ना सिद्धार्थ यस सर या Divided by 2. Please, मेरे plus minus पे everybody keep a check, है ना? तो अमादिनी 4. 3 plus 1. Very good, Prabhakar. मेरे plus minus पे हमेशा check रखना. Multiplication, calculations मैं आपको सिखा दूंगा. Logs मैं आपको सिखा दूंगा. Without using any calculator. पता नहीं मैं plus minus पे ध्यान नहीं करता हूँ. तो kindly sir, have a... हाँ. Sir, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप 4 plus 0 और 3 plus 1 कैसे लिख रहे हो. मेरा disconnect हो गया था starting में. कोई बात नहीं अगर ऐसा हो गया तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देखना बट अभी मेरे साथ बात कर yes, sir. ठीक तो अगर यहाँ पे BeF4 minus 2 हुआ बेरिलियम इज अ सेंट्रल एटम इसके इलेक्ट्रॉन 2 yes, sir. और ईच फ्लोरीन कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन 4 minus 2 minus 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए डिवाइडेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए 4 एटम कितने हैं दोस आर गोइंग टू बी द बॉन्ड पेयर एंड द लोन पेयर इज गोइंग टू बी 0 ओके राइट सो दैट इज द वे आई एम मूविंग अहेड BF4 नेगेटिव बोरॉन के कितने इलेक्ट्रॉन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो
each flooring contribute this one minus ka matlab plus 1 by 2 it's a case of 4 plus 0 I stress aapne aise bolna hai bond pair plus lone pair you are learning you are passing through a very important phase of chemistry right logon ko नीट की तैयारी में पहुंच जाते हैं लॉन पेयर कैलकुलेट करने नहीं आते हैं सो दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू शैल आई मूव हेड नमन प्राप्ति माइक चलता है बेटे नमन यस सर सी एच थ्री पॉजिटिव गुड़िया कार्बन फोर फोर प्लस थ्री थ्री माइनस वन एक्सीलेंट सन दिस इज गोइंग टू बी थ्री It's a case of 3 plus 0. 0. And with a CH3 negative. So this is going to be what? The. Hello? 4. Very nice. 3 plus this one. 1 divided by 2. Bolte raho? 4. 4 is equal to 1. 3 plus 1. Okay. दुनिया में जिंदगी में आपके पेरेंट्स के पास आपके टीचर्स के पास ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनको हम वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं आपके पापा भी आपकी मम्मा भी आपके दादा दादी नाना नानी आपसे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करते होंगे आई होप क्यों नमन करते हैं ना पक्का जो उनके ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिनको वो डिफाइन नहीं कर सकते हैं जस्ट टेल यू नमन ऐसा करना बेटा ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना दैट इज अवर एक्सपीरियंसेस चुप ये खास चीज तुम्हें फोकस में लेके बोल रहा हूं वहां पे मेरे एक्सपीरियंस को क्वेश्चन मत करना ठीक डू नॉट क्योंकि पता है चुकने अभी पूछा था व्हाई डू नॉट दिस इज गोइंग टू बी बाइंडिंग ऑन यू देयर इज ओनली वन रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी टीचर एंड द स्टूडेंट सो व्हाटएवर आई हैव लर्नड आई शुड ट्रांसफर इट टू यू बाय एनी वे सो दिस इज माय एक्सपीरियंस कमिंग आई हैव नो लॉजिक फॉर दैट मे भी आगे चल के तुम्हें समझा पाऊंगा बट अभी इससे ज्यादा मेरे से मत पूछना चुक डू नॉट काउंट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन इफ दीज आर नॉट सेंट्रल एटम नमन प्रार्थनी मेरे से बात कर रहा है बेटे तुम ठीक गुड़िया अभी सिखाता हूं ठीक ये मेरा एक्सपीरियंस है जो तुम्हें कहीं बहुत मार्जिन देगा देख प्रार्थी इस वक्त प्रार्थी आपके पास ऑक्सीजन इज अ सेंट्रल एटम तो इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं 6 plus 2 4 यस नमन 2 प्लस 2 पैकेज अब नमन ध्यान देना अब कार्बन इज द सेंट्रल एटम बेटे राइट कार्बन इज अ सेंट्रल एटम तुम्हें आगे बहुत बड़ी थ्योरी में लेके जाना है मुझे तकरीबन आज से दो लेक्चर के बाद लग जाएंगे वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी टॉपिक है जिसके लिए मैं तभी से तुम्हारे पीछे लगा हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर है तुम्हें नहीं पता लगा मैं ओहबो प्रिंसिपल बाद में तभी से वही तुम्हें याद करवा रहा हूं गुड़िया इस वक्त कार्बन के 4 प्लस 0 0 लेगा एंड इट विल बी टू का केस बार राइट दोबारा देख ठीक बच्चे तो ये बहुत बड़ा जो बहुत बड़ी चीज बनेगी तुम्हारे लिए दिस इज कार्बोनेट आयन कार्बोनेट आयन कार्बन के प्रार्थी कितना लेगा 4 ऑक्सीजन के कितना लेगा बेटे 0 उसके 2 करेगा प्लस 2 कितना आ जाएगा 3 प्लस 0 सेंट्रल एटम के पास अभी मैंने सिग्मा और पाई आपको करवाना है तभी मैं कह रहा हूं इससे आगे मेरे से मत लेके जाना इसके पास बॉन्ड पेयर 3 निकलेंगे एक बड़ी मजेदार चीज निकलेगी चुग तुम सल्फेट सल्फर के 6 0 प्लस प्लस 2 बाय 2 4 प्लस 0 वेरी गुड देखो आप लोग कर रहे हो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं मैं तो सिर्फ सिखा के पीछे होते जा रहा हूं 8 plus 0 plus 2 2 एंड 2
समझ रहा है? यस सर। फोर प्लस वन और ये ना बेटे, ये देख दो ऑक्सीजन के दो फ्लोरीन के तो चार आ गए ना, मिला के कराओ ना चुप। यस मेरे को हराओ। इज इक्वल टू फोर इज इक्वल टू थ्री प्लस वन प्लस वन। गुड यप, मेरे को हराओ। 8 plus 0 by 2 is equal to 4 is equal to 4 plus 0. बहुत बढ़िया। I want to lose. 7 plus 1. 0. 8 plus 1. 4 plus 0. 0. 7 plus. अभी रुक जाओ। 7 plus 0 plus 1 upon 2 is equal to 4. 3 plus 1. Yes. मैंने आपको भी तैयार कर लिया है, इस चीज को मैं आगे फ्यूचर में यूज करूंगा। मैंने आपको एक सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर सिखाने बताए। फॉर एग्जांपल अब आप देखिएगा, आप निकाल पाएंगे, आपको पता लगेगा कि यह क्या मैं बात कर रहा था। एक बात बताओ अग्रिम, अभी तक तुमने ये मॉलिक्यूल देखा? ईमानदारी से बात करना, अभी तक देखा? यस सर, एक बार। तो इसका स्ट्रक्चर क्या था बेटे? अगर नहीं अब नहीं देखा वैसे बता दे, क्योंकि मैंने तो सिखाना ही। इसका स्ट्रक्चर आता है सर? स्ट्रक्चर लुईस, अच्छा ये वाला 7 plus 7 by 2 is equal to 14। और सुन एक मिनट, 14 by 2 सॉरी 7 आएगा सर, 7 plus 0। यस सर। और इस चीज को अपने स्कूल टीचर को नहीं दिखाना, क्योंकि ये गुरु मंत्र है, ठीक है जी? स्कूल टीचर को ये वाला फॉर्मूला नहीं बताने का। ओ भाई, आयोडीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 7 8 8 कहां से आ गए? 7 पॉइंट पे। हां 7 सर। ईच फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 बट वो सेंट्रल एटम को कितना देगा बेटे? 1 1। तो देखो यही तो स्ट्रक्चर था इसके, 5 फ्लोरीन देख पा रहे हो? ये भी आपको आता, ये भी चिंता मत करिए, ये भी आप जल्दी निकालना शुरू कर देंगे। ये मैं क्या बना रहा हूँ, पेंटागनल बाय पिरामिडल, ये भी आप देख पाएंगे, ये भी आने वाले समय में क्लियर होगा। Do you understand? Right? सर फ्लोरीन फ्लोरीन वाला भी मतलब आगे करवाओगे? नहीं अभी करवा रहा हूँ, देखो ये तो हम कोवलेंट बॉन्डिंग में से निकल रहे हैं। एक फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं ना? Yes sir। तो वो एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होता है ना, तो उसके 3 yes, तो लॉन्ग पे रहेंगे। आप इसको थोड़ा टच करते हैं, आप तो इसको शेयर करवाते हैं ना। बाकी ये स्ट्रक्चर वेस्पर में आएंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सर हाँ सर, ये जो आयोडीन है सर, इसका जो शेल था लास्ट वाला सर, उसमें तो उसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा क्या मेरे प्यारे से बच्चे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताइए इस पूरे ग्रुप की। ग्रुप नंबर 17 की जनरल कॉन्फ़िगरेशन बता भाई। NH2NP5 तो 7 ही तो होंगे ना दोस्त। सो जो हमने उनका बनाया था स्ट्रक्चर इसका, तो कंफ्यूज होता है, सारों को कंफ्यूज करता है किसका स्ट्रक्चर। सो जो भी आयोडीन और फ्लोरीन का वो बनाया था हमने IF7। तो अभी तो उसी पेज पे तो आया हूं। हाँ सर, इसमें आयोडीन के ऊपर से 14 ही हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो गया? थ्रू ऑक्टेट। ओ अभी तो मेरे बच्चे तू आगे जाने वाला है ना, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो आप सीखे हैं वही सही होगा, अभी तो बहुत चीजें सीखेगा। ऑक्टेट को जरूरी नहीं है कि ऑक्टेट वैलिड होगा, ठीक? सो सम विल कम बाय नॉलेज, दे विल नॉट बी कमिंग इन वन गो। सामने मीट का पतीला पड़ा है, क्या एक दिन में वो पतीला खा के, मीट खा के आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, आप ह्यूमन बन जाएंगे? अगर ऐसा होता तो मजदूर जो मजदूरी करता है, रोज टॉप फ्लोर पे जाता है, ईंटे उठाता है, नीचे आता है, फिर करता है, तो उसके मसल्स तो बड़े भयंकर होने चाहिए थे, बट उसके मसल्स तो नहीं बनते।
So it is strategy which is more important. That is sometimes I snub you, my son. ये चीज आगे आएगी बेटा. So ये question अच्छा है. 8 इलेक्ट्रॉन होना कोई जरूरी नहीं है बेटे. ये हम आगे बताएंगे. ठीक है? ये जरूरी नहीं होता कि होना है. ठीक है? कोशिश करते हैं. But there will be thousands of examples where octet rule is not followed. भगवान बड़े मजेदार हैं यार. वो पता नहीं क्या करते हैं. वो क्वांटम थ्योरी, वो डाइसेस फेंकते हैं, हमें बताते हैं ऐसा चलेगा, खुद कुछ और कर लेते हैं. दैट इज अ यूनिवर्स. ओके बच्चे. यस सर. चलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इनटू द न्यू पार्ट, सम बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. सुनो, जब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कभी भी ये सोच के नहीं पढ़ाता हूँ कि तुमने इसको रटना है, तुमने इसको नॉवल के जैसे पढ़ना है. I will tell you the questions कैसे आएंगे, है ना? जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको कोई इंफॉर्मेशन की कमी होगी. A good student will do, he will go back to the source, will read it and then he will solve the question. और एक average student क्या करेगा? वो teacher से या कहीं से किसी तरीके से बस उस question का answer ढूंढ लेगा. ऐसा मत करिए. तो अभी बेटे ये पढ़ रहे हैं ना, तो इसको novel के जैसे पकड़ो, समझो इसको. ये मत सोचो कि carbonate के ऊपर question कैसा आएगा. कार्बोनेट के ऊपर हमने आपको बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर कैलकुलेट करने बस ये सिखाओ, बाकी मेरे ऊपर छोड़ो. जैसे आएगा मैं उसको अपने आप ज्वाइन करता रहूंगा. सर, तुम लोग नई चीजें सीखोगे. नई चीजें का मतलब नए क्वेश्चंस नहीं होता, नई चीजों का मतलब नई ऑब्जर्वेशन, आपकी नॉलेज में गेन होता है. कुछ चीजें आपको आती होंगी और ज्यादातर चीजें आपको नहीं आती होंगी, आप सीखने जा रहे. तो साक्षी डबल ई वाली मेरे से बात करेगा. साक्षी, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल बॉन्ड आर, एक एक करके सीखते हैं. बॉन्ड लेंथ, एक एटम और दूसरे एटम के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, एक न्यूक्लियस से उत्कर्ष दूसरे न्यूक्लियस तक डिस्टेंस कितना होगा, उसको बेटे हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं. ऑब्वियसली अगर कोई बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, देन ईच एटम विल बी पुल्ड टुवर्ड अनदर एटम, दैट डिस्टेंस विल बी लेसर एंड अदरवाइज द डिस्टेंस विल बी मोर. इज इट क्लियर सर? इट इज डिफाइंड एज, उत्कर्ष, द इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन डिस्टेंस ऑफ द बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल. उत्कर्ष, सिंपल वर्ड में अपनी डेफिनेशन बनाओ. इट इज अ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, दैट इज अ बॉन्ड लेंथ. ईच एटम ऑफ द बॉन्डेड पेयर कंट्रीब्यूट टू द बॉन्ड लेंथ. अरे मैं आपके साथ बॉन्ड बना रहा हूं, मेरा भी तो कोई एज, ठीक है जी? तो इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच एटम इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस ऑफ एन एटम. बेटे याद है तेरे को? इसको रेडियस ए बोलेगा, इसको रेडियस बी बोलेगा, और बॉन्ड लेंथ किसके बराबर हो जाएगी? पिपेट, आर ई आर बी. बिल्कुल सही, समझ आ गया. डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल. व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, और एटम्स तो सेंटर में आप न्यूक्लियस को देखते हैं. इट इज गोइंग टू बी नोन एज बॉन्ड लेंथ. देयर आर मेनी मोर थिंग रोहित. अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा द बॉन्ड लेंथ विल बी शॉर्टर, इफ द बॉन्ड इज वीकर the bond is going to be longer. So now, जब मैं आपको ऐसा टेबल दिखाता हूं, आपको बस दोस्ती करने के लिए बोलता हूं. देख रोहित, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, प्लीज डोंट मेमोराइज. तो अगर डिस्टर्बेंस, म्यूट कर दे. ऑक्सीजन हाइड्रोजन 96 पिकोमीटर है. ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज 96, मतलब ये कहना चाह रहा हूं अगर आपके पास वाटर हुआ तो ये वाला बॉन्ड 96 पिकोमीटर का है, ये वाला भी 96 पिकोमीटर का होगा. कार्बन हाइड्रोजन 107, कार्बन नाइट्रोजन 143, कार्बन कार्बन 154, राइट, एंड कार्बन डबल बॉन्ड 133, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन एंड सो ऑन. एक चीज देख, राइट, एक चीज देखो. तो अमोदनी अनम्यूट कर. अमोदनी भैया देख, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितना है? 154. कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कितना है? अग्रिम तुम अनम्यूट हो. 133. कोई बात नहीं, चुप, बीच में बात कर सकते हो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है ना.
कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन याद नहीं करने का दोस्तों, 120 पिकोमीटर. टेस्ट, नो टेस्ट. वी विल डिस्कस दैट व्हाई ट्रिपल बॉन्ड इज स्मॉलेस्ट एंड व्हाई सिंगल बॉन्ड इज लार्जेस्ट. बोल भाई. सिर्फ उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होंगे तो उनके बॉन्डिंग अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इसलिए उनके साइज छोटा होगा. एक बात देखना, मैंने तुम्हें एक बाजू से पकड़ा हुआ है तो हमारी दोस्ती कमजोर है. अगर मैं आपको दो बाजू से पकड़ लूं तो हमारी दोस्ती मजबूत नहीं हो जाएगी बेटे, बॉन्ड मजबूत हो जाएगा. तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ बेटे, और अभी इंट्रोड्यूस करता हूं, प्लीज टेंशन मत करिएगा. बॉन्ड की मजबूती, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. डू यू अंडरस्टैंड? प्लीज डोंट मेमोराइज एनी डाटा स्ट्रिक्टली दैट विल बी प्रोवाइडेड ऑलवेज. बस सिर्फ ऑब्जर्वेशन करो, सिंगल बॉन्ड लॉन्गर होता है, डबल बॉन्ड शॉर्टर, एंड ट्रिपल बॉन्ड इज द शॉर्टेस्ट. That is what is required from you people. अब देखो दोस्तों, hydrogen hydrogen bond, बस मेरी बातें सुनते रह करो, फायदा होगा. It is one of the strongest single bond. Hydrogen hydrogen bond is the strongest single bond. ठीक? अच्छा देखना, एक पीछे, एक मिनट रुकना. Oxygen hydrogen, oxygen देख, hydrogen oxygen, hydrogen nitrogen दिया क्या भी single bond? नहीं दिया. अच्छा चलो एक मिनट बेटे, मेरे लिए वैल्यू याद करना. ऑक्सीजन हाइड्रोजन 96 और कार्बन हाइड्रोजन 107. ठीक, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कोई ऐसी बात नहीं है, वापस भी आ जाएंगे, दिस इज नॉट अ टेस्ट. देखना अगर किसी को याद था तो मुझे बता दीजिएगा, वरना मेरे पास तो खैर वैल्यू ऐसे 96 100. गुड गुड गुड, मेरे पास वैल्यू वैसे भी होंगी, तो जस्ट अ मिनट. ऑक्सीजन हाइड्रोजन की 96 पिकोमीटर की, और एक मिनट, दूसरा मैंने कौन सा कहा था? कार्बन हाइड्रोजन 107. तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्लाइटली शॉर्टर. Shorter का मतलब stronger होगा? Yes sir. Yes sir. And this is going to be प्रभाकर weaker होगा गुड़िया? Yes sir. मैं बार-बार बोल रहा हूँ, हो सकता है तुम्हें नहीं आता होगा. This is not a reason, है ना? आप कोई कारण सोच सकते हैं कि why oxygen hydrogen bond is a stronger than carbon hydrogen? मैं hint देता हूँ, ionic bond is stronger bond than covalent bond. राइट, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन कार्बन. पता चलेगा जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, बॉन्ड विल बिकम स्ट्रॉन्गर. ठीक, तो इसमें आयनिक करेक्टर आ जाएगा बेटिया. अभी आगे और भी कराऊंगा, मेथड ऑफ प्रेडिक्शन ऑफ आयनिक करेक्टर और कोवेलेंट करेक्टर में भी शायद अगली क्लास के एंड तक हम इसको हिंट कर रहे हैं, पिट कर रहे हैं. देख, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड 74 का है, पिकोमीटर का है. अनन्या प्रभाकर? यस सर. एंड फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, सोच क्यों फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड would be longer. समझ आ रहा है ना? longer, longer का मतलब क्या होगा? weaker. और shorter का मतलब क्या होगा? stronger. can anyone think of the likely reason? sir, वो दोनों electronegative है तो repel करेंगे. काफी ठीक जा रहा है, चुप, काफी ठीक जा रहा है, थोड़ा सा और ठीक का size, fluorine का size भी बड़ा होएगा इसलिए. नहीं, अच्छा ऊपर dot dot में answer पड़ा. इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन होगी. यस, जैसे जैसे नॉन पेयर आएंगे द बॉन्ड विल बिकम वीकर.
Why? Because this lone pair will repel this lone. Got it? दोबारा देख बेटे. Everybody please listen. जो चुगले बोला. सुनो. डाटा नहीं याद कर. अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा दोस्तों, क्या लॉन पेयर होगा कोई? नो. अगर चुग भाई नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, बेटे जब मैंने ऐसे लिखा ना तो यहाँ पे कोई और एटम हो सकता है, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ कहाँ था, इधर था. नाइट्रोजन के ऊपर कितने लॉन पेयर आते हैं मेरे दोस्त? टू. एक एक नाइट्रोजन के ऊपर एक, एक नाइट्रोजन के ऊपर एक, ठीक है ना, दो के ऊपर मिला के आपने सही बोला. ये अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो बच्चों इनके ऊपर एक एक लॉन पेयर आएगा. यस सर. अगर हैलोजन हैलोजन आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो इनके ऊपर प्रभाकर या कपूर कितने लॉन पेयर आएंगे? थ्री. इधर जाते हुए लॉन पेयर इंक्रीजेस. एंड बेटे लॉन पेयर को अपने घर में आपने एक डॉग पाले हुए हैं जो कि खुले हैं, राइट? क्रूड लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, आपके घर में खुले कुत्ते बैठे हुए हैं. सो द टेंडेंसी ऑफ देम फाइटिंग इज गोइंग टू बी मोर. सो जैसे जैसे लॉन पेयर इंक्रीज करेंगे, जो चुग ने अभी वर्ड यूज किया था, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस क्या करेंगे भाई? इंक्रीज. और बॉन्ड की मजबूती स्ट्रेंथ एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी. डू यू अंडरस्टैंड सर? सर जब आपने एक एग्जांपल दिया था जिसमें 154 पिकोमीटर वगैरह और फिर डिक्रीज हो रहा था सर, या मैंने वहां पे लॉन पेयर की कोई ऐसा डिस्कशन वहां किया था, तो इसके ऊपर फोकस करो. ओके सर. तो उसको इसके साथ क्यों कोरिलेट कर रहे हैं? जब मैंने वो कॉन्सेप्ट किया होगा तो मेरे मन में लॉन पेयर का डिस्कशन नहीं आएगा बेटे. तो प्लीज उसको इसके साथ कोरिलेट मत करिए. इधर मैं आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं. एज लॉन पेयर इंक्रीजेस, इसमें और इसमें आपस में झगड़ा शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा? नेगेटिव. हेयर रिपल्शंस विल बी मोर अग्रिम, हेयर रिपल्शंस विल बी मैक्सिमम, एंड हेंस क्या चीज बढ़ेगी भाई? बॉन्ड लेंथ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. यू नो, अगर ये पिछले साल तक आता हम आपको सिर्फ बॉन्ड लेंथ करवा के चले जाते, बट अब आप सोचने वाली सिचुएशन में जाते हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि जैसे जैसे मल्टीपल बॉन्डिंग होगी बॉन्ड विल बिकम स्ट्रॉन्गर. जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, जब नोट्स बनाओगे मेरी आवाज सुन रहे होगे तो ये बीच में डालना, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे चुप साहब बॉन्ड में मजबूती ज्यादा होगी. जैसे जैसे लॉन पेयर्स आएंगे दो नियरेस्ट एटम में, और ध्यान दीजिएगा आई एम कंपेयरिंग सिंगल बॉन्ड, आई कैन नॉट कंपेयर सिंगल विद डबल विद ट्रिपल, आई शुड कीप समथिंग कांस्टेंट, ओनली देन आई कैन मूव अहेड. शैल वी मूव अहेड सन? मेक नोट्स. यस बेनिफिटेड, रियली मेक नोट्स. और नोट्स का मतलब ये नहीं कि कुछ सजा सजा के लिखना है, नोट्स का मतलब ये होगा कि आपने इंफॉर्मेशन लिखनी है. स्कूल के लिए तो बहुत काम आसान होगा, सच में वो कर लेंगे हम, बट अभी जो मैं बोलता हूं उसको लिखो. चलिए बॉन्ड एंथैल्पी, सना अनम्यूट करें. बॉन्ड एंथैल्पी, द बॉन्ड एंथैल्पी, द स्ट्रेंथ ऑफ अ केमिकल बॉन्ड इज मेजर्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. आई होप यू पीपल आर नाउ कंफर्टेबल. सिद्धार्थ, तो आप समझ सकते हैं आदित्य पाठक, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब बॉन्ड के टूटने में जितनी भी एनर्जी लगेगी दैट इज गोइंग टू बी नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. पिछली क्लास में भी हमने आयनिक बॉन्ड में भी किया था. तो इट इज द एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर बॉन्ड इन वन मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स or enthalpy released during formation of a particular bond, during formation of a particular bond. See Kapoor, aap baat karein please mere se. Kapoor, for example bidya, agar aap hydrogen ko gaseous form mein, solid mein nahi lena hai,
डिसोसिएशन गैसेस फॉर्म में इफ यू ब्रेक वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बॉन्ड इन द गैसियस स्टेट देन वी विल गेट टू मोल्स ऑफ गैसियस एटम द एनर्जी स्पेंट विल बी नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. याद नहीं करने का है आपको सारी की सारी वैल्यूज. जस्ट हैव एन आइडिया. मैंने दो तीन बार यूज किया. द हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड. इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड. सिमिलरली इफ यू ब्रेक ओ ओ गैसियस स्टेट में ऑक्सीजन को टू एटम्स यू विल नोटिस डेल्टा एच इज 498. If you break N2 gas के बीच के molecules को आप काटते हैं, it is 946 kilojoule per mole. Your observation is important. Nitrogen-nitrogen triple bond is one of the most strongest bond. ये इतना मजबूत है कि हम nitrogen को artificially react ही नहीं करवा सकते हैं. कल परसों चुक को मैं बोल रहा था, N2 plus O2 जब बनता है तो उसके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव भी होती है, राइट? याद रखना, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड. दैट इज योर जनरल नॉलेज इज इंक्रीजिंग. द लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी द स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल. दस अदंतुली नाइट्रोजन नाइट्रोजन बात करो मेरे से इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड के मुकाबले and which is stronger than hydrogen hydrogen single bond. Kadam, do you understand? Yes, sir. मुझे बताएगा क्या सीखा बेटा इस लाइन से? दिक्कत कुछ? So, चलो बोलो. So, इसका मतलब कि जो जैसे एन और में ट्रिपल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड से फॉर्म होते हैं और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से फॉर्म होते हैं. तो हमें पता है कि जैसे ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपैरेटिवली सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड. इसलिए जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए उनकी बॉन्ड एंथैल्पी इसलिए वो रिएक्ट करते हैं. और मोटे तौर पे आई कैन से एज द बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ of the bond or bond enthalpy increases. In case of polyatomic molecules, the measurement of bond strength is more complicated. It's very complicated. For example, in case of H2 molecule, the enthalpy needed to break the 2OH bond is not the same. If you have oxygen hydrogen water ke bond, it has two bonds. If you break one bond you will get this. The energy spent is 502 kilojoule. Now if you break the second bond the energy spent has been found to be different, that is 427 aapke paas paya gaya. That is agar main net process ko dekhu, that is isse मुझे 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम मिला तो मेरे को 502 प्लस 427 दैट इज 929 एनर्जी का खर्चा हुआ. एंड हाउ मेनी बॉन्ड्स वर ब्रोकन टू, तो मैं कहूंगा एवरेज द बॉन्ड एनर्जी OH बॉन्ड की इज गोइंग टू बी कैलकुलेशन प्लीज चेक 4929 divided by 2, I'm taking answer from there, 464.5 kilojoule. Do you understand? Agar aapke paas ek hi molecule mein ek se jyada similar bond ho, to har bond ko todne ke liye the energy required is going to be different and that is going to known as the average bond enthalpy. Ek baar dobara. For example, agar हम मीथेन में से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी निकाले, सो वंस द फर्स्ट बॉन्ड गोस लेट इट बी
x amount of energy was spent. Then the second bond breaking needed y amount of energy. The third hydrogen goes and that needed the z amount of energy. The fourth hydrogen goes and you are left with carbon, that is, let it be W amount of energy. Then we talk about average carbon hydrogen bond enthalpy or energy is x plus y plus z plus W divided by 4. Theek Anuvansh? Yes. The difference in the delta H value show that the second OH undergoes some change because of changed chemical environment. Environment is very different type of thing. This is the reason that for some difference in energy of same OH bond in different molecules like ethanol and water. Therefore, we use the term mean or average bond enthalpy in case of what? The polyatomic molecule. Samajhayenge? What is bond dissociation energy? The energy required to break one mole of bond in the gaseous state. The more the bond energy, the more is going to be the bond strength. And agar ek molecule mein same prakar ke bond hue, kya sab bond ko todne ke liye same energy ka kharcha hoga? No, that will be different. And hum tab kiski baat karenge? Average behavior ki baat karni shuru ho jayenge. Bond energy depends upon following factor. Kafi cheeze hum aapse dekh chuke hain, kahin nahi bhi dekhenge. Atomic size. In general, the smaller the size of the atom, the denser will be the electron cloud overlapping. Please wait, ye concept abhi aapko sigma aur pi bond mein samajh aayega. Overlapping mein hum aapko batayenge atom combine kaise karte hain, unke atomic orbital kaise combine karte hain. Is more effective and stronger will be the bond. What he is talking about ke jitna chota atom hoga utna hamara jo molecule hoga, jo bonding hogi, that is going to be stronger hogi. Kisi bhi family mein ye hold karta hai. Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. Aap generally observe karenge, niche jate jate jo bond hoga, that will become weaker. Lithium ke beech mein bond stronger hoga, aur cesium ke beech mein bond sabse kamjor hoga. For example, यहां पे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन को जानबूझ के नहीं लिख रहे हैं. नीचे जाते हुए डेल्टा एच डिसोसिएशन. डू यू पीपल अंडरस्टैंड? दिस टर्म वाज डिस्कस विद यू पीपल इन द बॉन हैबर साइकिल लास्ट क्लास. नीचे जाते हुए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अग्रिम भैया क्या करेगी? डिक्रीज करेगी. इसका मतलब कौन सा बॉन्ड अग्रिम वीकेस्ट होगा? आयोडीन. आयोडीन एंड दिस बॉन्ड शुड बी व्हाट? स्ट्रॉन्गेस्ट. बट फ्लोरीन हमेशा कोई ना कोई ड्रामा लेके आता है. क्लोरीन हमेशा कोई ड्रामा लेके आता है. आप ऑब्जर्व करेंगे दिस बॉन्ड शुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट. बट इस फैमिली में जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड पाया गया है एक्सेप्शनली, दैट इज क्लोरीन. मतलब समझ आया? इस फैमिली में क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. उससे कम कौन सा है? द फ्लोरीन फ्लोरीन, फिर क्लोरीन क्लोरीन, और फिर आपके पास किसका नंबर लगता है? द ब्रोमीन. हो गया सब? एक कोई मिस तो नहीं हो गया? मैंने हो गए मैंने क्लोरीन क्लोरीन दोबारा लिख दिया तो भी मैंने लगा ना कुछ गड़बड़ हो गया. मौत नहीं, संभाल लिया कर बेटिया. Why? Because of extremely small size of it fluid. Repels. Very good. अब word देख बेटे, अब की बार ये वाला word बोलना. Inter electronic. हाँ चुप, अगली बार ये word बोलेगा ठीक है? Inter electronic repulsions come into play कह दे
come into picture, because of which fluorine fluorine bond mein bahut jyada repulsions ho jati hain. So this bond break easy. And in comparison, this is going to become difficult to break. Break. Drama electron gain enthalpy mein bhi hua tha fluorine aur chlorine mein. Honi kiski chahiye thi? The bolo fluorine ki. Fluorine. Honi kiski thi? Chlorine ki. Chlorine. Repetition is the key. Dobara padho. Right? Smaller the size of the atom, the denser will be the electron cloud, and overlapping is more effective, the stronger bond is going to be formed. Exceptions are not to be quoted. Main kehta hu na, aapko sirf normal cheeze batani. Fluorine fluorine bond energy is low due to large inter-electronic repulsion. Ab dobara dekhiye, cheeze to seekhne wali hai, nayi nayi cheeze aap seekhte ja rahe hain. अब आप लोगों ने पिछले साल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये साक्षी हो जा, कैटेनेशन. व्हाट इज कैटेनेशन? कैटेनेशन इज टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड विद इटसेल्फ, फॉर्म चेंज. बिल्कुल, कार्बन कार्बन. तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, इस कैटेनेशन की टेंडेंसी मैक्सिमम है बच्चों. हेलो, वही तो रीजन आप अभी कर रहे हो. नीचे जाते हुए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या करती है? कम होती है. यही तो रीजन आप कर रहे हो. बट अब देखो ना, हम क्रिएटर नहीं है, हम तो आपको सिर्फ डिस्कवर करके बताते हैं. ये हमारी नॉलेज है, ये आप भी गेन कर रहे हैं. अब देख अग्रिम, नाइट्रोजन उत्कर्ष बात किया करो भाई, जिनके पास माइक है काम बात कर सकते हैं. प्लीज बी एक्टिव इन द क्लास. Right, this is your class, it's an interactive class. मैं चाहता हूं कि मेरे से बात करें आप बीच बीच में, ठीक? वो प्यार और डांट चलती रहेगी, आगे भी पड़ेगी. जैसे चुप को मेरे से खूब डांट पड़ती है, but still he asks question and I appreciate that. चुप. तो ये देख बेटे, अब ऐसा ही राजा तेरे को नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी भी तो उम्मीद करता है ना. बट दिस इज अ फैक्ट, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इज, पढ़ के बता यार, वीकर देन फास्फोरस फास्फोरस ड्यू टू स्मॉल साइज. अब सोच, नाइट्रोजन को तुमने ज्यादा से ज्यादा कहां देखा है? N2 नहीं, कैसी yes. फॉर्म में देखा है? और बेटे फास्फोरस को सोच के बता, आपने कहां देखा है? E4 देखा, P3. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम, पोलोनियम. होना किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग चाहिए दोस्तों? ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन. यहां पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इज वीक. देन सल्फर सल्फर, वही सेम रीजन. अब आप सोचो कि आपने ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा कहां तक देखा है? O2. और बेटे सल्फर को कहां तक देखा है? S8, S6. So do you understand this, the point, बेटे? ठीक सर, एक मिनट रिपीट कर दो सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. तो पिपेट, हम बोल रहे हैं बच्चे कि नीचे जाते हुए बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी, ठीक है ना. ऊपर बॉन्ड मजबूत होगा, बट देर आर फ्यू एक्सेप्शन. फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन फ्लोरीन, हमने शायद अगले पेज पे लिखा, दैट बॉन्ड इज गोइंग टू बी द इस फैमिली में वीकर हो जाता है. बट कार्बन कार्बन में देर इज गोइंग टू बी नो एक्सेप्शन. कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, तभी तो उसने पूरी की पूरी दुनिया रच मारी. बट नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन फॉस्फोरस. होना किसका चाहिए था? नाइट्रोजन का. That is the reason phosphorus catenation की property दिखाता हुआ क्या दिखाता है? P4. Sulfur catenation दिखाता हुआ क्या दिखाता है? S8, S6. But nitrogen ज्यादा से ज्यादा diatomic पे जाता है, oxygen ज्यादा से ज्यादा O2 पे जाता है. चुक समझा है? आगे चलें. Yes sir. Bond multiplicity. बेटे बात क्या कर रहे हैं? तो भाई
मैं जरा येलो यूज कर रहा हूं, थोड़ा सा अलग कर दूंगा क्योंकि मुझे हाईलाइट करना है बेटे, है ना। तो पिपेट ने कहा था ना कि ज्यादा हाईलाइट मत करना, वो उस पर गड़बड़ करता है। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, द मोर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड द मोर इज गोइंग टू बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ, समझे दोस्तों? ये बॉन्ड स्ट्रेंथ, द ग्रेटर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ मोर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। एंड इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट, जैसा अभी अभी बताया, मीथेन में से वन हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रोकन, एनर्जी इज E1, सेकेंड इज ब्रोकन E2, थर्ड इज ब्रोकन E3, फोर्थ इज ब्रोकन E4, ऑल द एनर्जीज विल बी डिफरेंट बिकॉज एनवायरमेंट विल बी डिफरेंट। भाई मैं चार पहलवान अपने साथ लेके जा रहा हूं, तो मेरे एक पहलवान को, जो पहला पहलवान होगा, अगर कोई खींच के लेके जाएगा उसको ज्यादा मुश्किल होगी, बिकॉज दूसरे पहलवान भी तो उस लड़ाई में पार्टिसिपेट करेंगे ना। अब मेरे पास सिर्फ तीन बंदे रह गए हैं, तो मेरे अगले बंदे का लॉस इजी नहीं हो जाएगा, उससे अगले बंदे का लॉस सबसे आसान हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? सो दैट इज गोइंग टू मैटर कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, ये बन जाएगा। टाइप्स ऑफ बॉन्ड ये हमने अभी आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया है, थोड़े समय में बस पहुंचेंगे, शायद अगली क्लास तक पहुंचेंगे आपको। हम अभी बॉन्ड पूरे नहीं हुए हैं, हम आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड भी लेके जाएंगे। This thing, these all things have to be copied in terms of your note. आगे जा सकते हैं भैया? The bond order, the bond order. अमोदनी, अब माइक चल रहा है गुड़िया? सरीन, माइक चल रहा है? सरीन, bond order is the number of bonds between two atoms in a molecule. For example, hydrogen, hydrogen में कितना bond है? वन बॉन्ड है, तो गुड़िया इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? वन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कितना है? दो। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कितना है गुड़िया? थ्री। बॉन्ड H2O2N2 इज 1 2। थोड़ा समय देगा बेटे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। चुग प्लीज वेट बेटे, है ना, समय आने पे अभी इसको, अभी सिर्फ रट्टा होगा, सही समय पे इसका लॉजिक बताऊंगा। अभी के लिए बस मेरे को याद रख, अभी के लिए सिर्फ ये ऐसा इसलिए बोल देता हूँ कि अगर मैं यहाँ नहीं बोलूँ, आप दो साल के बाद जब इसको रिवाइज कर रहे होंगे ना, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। हाँ ऐसा है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में अमोदनी कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो? ओए, थ्री कहाँ से आए? एक नाइट्रोजन के सेवन, दूसरे नाइट्रोजन के सेवन। ओ सर, मुझे लगा आपने बॉन्ड पूछा। ओके ओके, आई गॉट इट। आपने वैसे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने जवाब दे दिया। बिटिया मैं टोटल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। गुड, चल अब मेरे को बता, साइनाइड के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। अब मेरे को बताओ बच्चों, सीओ के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 16, 10, 9, 16, 14, 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
14. अब आपको इसमें से किसी एक का बॉन्ड ऑर्डर बता दो जिसका भी आता है तुम्हें, बाकियों की टेंशन मत करो. 20 मार्क्स. सो नाइट्रोजन का 3. वेरी गुड. इन सब का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा. 3. अभी थोड़े समय के लिए मैंने यहां पे क्या लिखा, प्लीज वेट, राइट? सो ऑटोमेटिकली दोस थिंग्स विल बी आंसर्ड. विद चल सकता हूं आगे. अब देखो F2 एंड O2 माइनस 2 में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल बताना. 18. किसी एक का बॉन्ड ऑर्डर बता दो जिसका भी तुम्हें आता है. सो फ्लोरीन का 1. तो बेटे इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा. समझा? बस बेटे अभी के लिए यकीन कर लेना कि गलत चीज नहीं पढ़ाऊंगा, बट समय आने पे मतलब इसी चैप्टर के अंदर ठीक जगह पे तुम्हें बताऊंगा. अभी मैं तुम्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं बता सकता.
ठीक है चुप, आगे चल सकते हैं अनन्या प्रभाकर, आगे बढ़े बढ़िया। यस सर। अब लग रहा है तुम्हें बड़ी क्लासेस में आए हो कि नहीं लग रहा अभी? यस सर लग रहा है। लग रहा है कि नई नई चीजें आप सीखते चले जा रहे हैं। अब देखिए मेरे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल विल बी द एंगल बिटवीन एनी टू नियरेस्ट एटम, दैट विल बी द बॉन्ड एंगल, राइट? फॉर एग्जांपल दिस इज अ मीथेन मॉलिक्यूल, द मीथेन, ठीक? अभी वेस्पर थ्योरी दूर है, तो इसके बीच में किसके और इसके में, ये सेंटर वाला इंडिकेट करता है अमोनिया, हमारा कार्बन, ये चार मैंने हाइड्रोजन लगा रखे हैं, ठीक? ये टेट्राहेड्रल शेप होता है, चिंता मत करिए आप बड़ी जल्दी इसको सीखने वाले हैं। तो ये और इसके अंदर क्या एंगल है, दैट इज नोन एज, क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोलते हैं, ठीक? व्हाट इज द बॉन्ड एंगल? इट इज द बॉन्ड एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन डिफरेंट एटम्स। दिस इज द बी एफ थ्री मॉलिक्यूल, ये बोरोन है और ये तीन फ्लोरीन है, तो इनके बीच में जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं चुक? द बॉन्ड एंगल। तो बेटे अभी सिर्फ कुछ वर्ड यूज करता हूं, बट आई डिडंट, मतलब जानबूझ के आई यूज सम दीस टाइप्स ऑफ वर्ड्स, बिकॉज जब वो आगे हिट होंगी तुम्हें हल्की हल्की दोस्ती शुरू हो जाएगी। तो वेस्पर थ्योरी में इसकी बात होती है, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स containing bonding electron pairs around the central atom in the molecule. Bond pair के बीच में कितना angle होगा, उसकी जो degree में express होगा, that is going to be the bond angle. Bond angle is determined experimentally by spectroscopic. Spectroscopic में क्या होता है कि हम इसके ऊपर कोई light फेंकते हैं, तो उससे हमें इनके बीच में angle पता लगता है. It is expressed in degree. It gives some idea regarding distribution of orbitals around the central atom in a molecule. It helps in predicting the shape of the molecule. अभी मैंने use किया tetrahedral. थोड़े समय में use करूँगा trigonal planar. थोड़े समय में आपसे use करवाऊँगा the octahedral, right? Octahedral. This will be the octahedral shape. तो ये बॉन्ड एंगल से हमें पता लगता है। बिल्कुल याद मत करना, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देना। बॉन्ड एंगल इन वाटर इज 104.5, बट द बॉन्ड एंगल इन मीथेन इज 109.5, जो कि एक्चुअली कौन सा एंगल होता है, टेट्राहेड्रल एंगल होता है। यहां से आगे नहीं बढ़ूंगा बिकॉज ये चल कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, अभी है ना टाइम, ज्यादा टेंशन तो नहीं हुई ना किसी को, पक्का? क्योंकि जब मैं नोट्स तैयार कर लेता हूं तो हमारी स्पीड ज्यादा होती है, अगर हम नॉर्मल क्लास में होते तो हम इतना नहीं कर पाते। तो जैसे अब मैं ये नोट तैयार करके बैठा हूं ना, तो लिखने वाला काम हमारा रह जाता है, तो इससे हमारी स्पीड बढ़ जाती है। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूं बेटे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट और डेटिव बॉन्ड, डू यू रिमेम्बर, मैंने टॉपिक शुरू यहीं से किया था, मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड के डिफरेंट डिफरेंट ढंग बताऊंगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। देखो भाई, एक एटम इधर, एक एटम इधर, दोनों में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन हुई है, वो क्या हुई है दोस्तों, इक्वली। इसको बोलते हैं नॉर्मल, कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम आपको नए प्रकार के एक कोवेलेंट बॉन्ड से दोस्ती करवाते हैं, डेटिव बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। व्हेन द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्मड बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो, बॉन्डिंग तो होनी है, वो तो भगवान ने कहा है तो वो होनी है। अमोनिया में आप लोगों को पता है, अभी भी आपको थोड़े समय पहले बताया गया था, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर 3+1 थे। अरे यार, 5, 3 yes, 2, 4, 3, 1। तो
भगवान ने भगवान का नेचर पर सुना करो 2, 4, 6, 8 इसका पेट भरा हुआ है, सामने से एक भिखारी एटम आ जाता है, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, समझ आ गए, हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब प्रभु क्या करते हैं, वो अमोनिया के जो दो इलेक्ट्रॉन, क्या आप देख रहे हो, अमोनिया का एक इलेक्ट्रॉन उठाते हैं और हाइड्रोजन को दे देते हैं। ऐसा करने से अमोनिया का एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो जाता है, बट फायदा क्या होता है कि दोनों के ऊपर हमारे पास मिला के एक पॉजिटिव चार्ज आता है और दोनों अपने ऑक्टेट को पूरा करते हैं, ऑक्टेट को या नियरेस्ट नोबल गैस को। अमोनिया के पास तो पहले ही इलेक्ट्रॉन थे, क्या आप देख पा रहे हैं, ऐसा हो गया। दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग ओनली फ्रॉम नाइट्रोजन साइड। तो अगर आप नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन काउंट करें 2, 4, 6 अभी भी 8 और हाइड्रोजन को अभी कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं, 2। सो दिस इज द टाइप ऑफ बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, वेयर अनपेयर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम वन साइड ओनली इज नोन एज द डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। The species contributing electron pair is known as Lewis base. कौन सा हुआ? Ammonia. उसके ऊपर lone pair था. The species accepting electron pair is called as Lewis acid. A for acid, A for acceptor. Lewis acid are electron pair acceptor. For example, sir. हाँ. सर NH3 प्लस H के ऊपर होल पॉजिटिव साइन क्यों आया? क्योंकि जीरो प्लस पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। आई कांट क्रिएट, आई कांट डिस्ट्रॉय चार्ज। तुम्हें साथ है? दोबारा देख। अब वाटर के ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं बहन? सर दो। दो वन ठीक, दो कैसे भूल गया, 6 plus 2, 8 by 2, 2 plus 2, H plus। तो नेचर ये वाला इलेक्ट्रॉन जहां पे मैं अभी कर्सर घुमा रहा हूं इसको उठाते हैं और इसको दे देते हैं, और ऐसा करने से आपके पास एक मॉलिक्यूल, एक स्पीशीज जन्म लेता है। शायद आपने इसका नाम सुना है, हाइड्रो नियम नियम दैट इज गोइंग। अब इस वक्त विच इज अ लिवाइस बेस, वॉटर। व्हाट इज अ लिवाइस एसिड, दिस। मिला के जीरो प्लस पॉजिटिव कितना चार्ज है, प्लस। अमोनिया पिछले पेज पे भी बनाया था, दोबारा बनाया जा रहा है। दिस इज हाइड्रोजन पहुंच गया, ठीक है जी, दिस इज हाइड्रोजन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के किसको चले जाता है, इसको चले जाता है, और आपके पास कौन सी चीज जन्म लेती है, अमोनियम आयन। तो अगर कल को मैं पूछूं अमोनियम आयन के अंदर कितने बॉन्ड्स हैं, स्टेप वाइज देखो, आप समझ पा रहे हैं, 3 नॉर्मल, कौन से बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कई बार ऐसा भी दिखाया जाता है, जिसकी तरफ से जा रहा था है उसकी तरफ से टेल होती है, और जिसकी तरफ जा रहा होता है उसकी तरफ इसका हेड होता है। दिस इज गोइंग टू बी नोन एज द लुईस बेस, दिस इज गोइंग टू बी नोन एज लुईस एसिड। बी एफ थ्री के पास आप लोगों को सिखाया गया है आप कितने इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हैं, टोटल करके देखो। I'm waiting for your answer. Six. अनुवंश ने बोला, कोई और भी बोले, गायकी, देवांशी, इशिका,
सिक्स टू टू सिक्स या थ्री एंड थ्री सिक्स। तो अब क्या करता है, फ्लोराइड आए, द फ्लोराइड आए, राइट। व्हाट हैपन इज द फ्लोराइड आयन डोनेट्स शेयर अनइक्वली द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द बॉन्ड फॉर्मेशन। सो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज गोइंग टू ट्रेवल टुवर्ड्स बी एफ थ्री, फॉर्मिंग कौन सा आयन बेटे, बी एफ फोर माइनस। अब आप हमें बताइए बेरिलियम फ्लोराइड में, मैं ढंग बता चुका हूं तुम लोगों को, कितने इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हो, टू पेयर्स फोर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स फोर है ना, तो इसका ऑक्टेट अभी पूरा नहीं है, तो क्या होता है इसमें दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, तो ईच फ्लोराइड आयन contribute this and you are going to get what, BF4 minus, minus two. BE sorry minus पूरे उस पे आएगा ना, sorry minus two charge पूरे molecule पे आएगा ना, हाँ total का होगा, total के ऊपर होगा, total के ऊपर होगा बच्चे। sir इसके lone pairs तो sir zero नहीं थे, किसके ऊपर सर, बेरिलियम वाले, हाँ उसके ऊपर तो जीरो थे, वो तो फ्लोराइड से आए हैं ना भाई, ओके सर, ये तो टू प्लस जीरो था, बिल्कुल ठीक बोला। अब चल भी ये अग्रिम, ओ अग्रिम भैया, यस सर, मेरे साथ है दोस्त, यस सर, तो अग्रिम भैया ये बनाते हैं तुम, बहुत लोग बहुत अच्छा काम करते हो, कीप इट अप। तो फर्क महसूस करो, टेंथ तक हम कैसे करते थे, इलेवेंथ में हम कैसे करते हैं, हम एक चीज को पकड़ लेते हैं उसी को धोना शुरू हो जाते हैं। अगर ये टेंथ क्लास थी तो व्हाट इज डेटिव बॉन्ड आता और उसको बता के चले जाता, अब हम डेटिव बॉन्ड को धोने में लगे हुए हैं, डेटिव बॉन्ड कैन बी, डेटिव बॉन्ड कहाँ कहाँ पे हो सकता है, डेटिव बॉन्ड के एप्लीकेशन क्या पे आ सकते हैं। तो चल भी अग्रिम सिंह मेरे साथ है, अग्रिम सिंह यार वैसे ही लगा देता हूँ, मुझे पता है तो पूरी है, ठीक है चिंता मत करना। तो अगर ये कौन सा मॉलिक्यूल देख रहा है बोर्ड पे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, वेरी गुड यार, समझ आ गया तेरे को, बहुत अच्छा बोला। तो एक ही बात है, ऊपर बनाऊं या नीचे वाला बनाऊं कोई फर्क थोड़ा पड़ता है ना, यस सर, कोई कारण है इसका लोन पर अभी नहीं बनाया। देख अग्रिम क्या होता है, भगवान ना इसकी तरफ एक और ऑक्सीजन भेज दिया, या तो उसके साथ कंबाइन कर, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिक्स, तो ये वाला जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये वाला जो पेयर है, इसका एक इलेक्ट्रॉन अग्रिम उठ के इसको मिल जाता है। ध्यान से देखिए, बेसिकली इलेक्ट्रॉन किसका है, ऑक्सीजन, लेफ्ट वाले इसको मिल जाता, लेफ्ट वाले, इसको क्या नाम देता है इस बॉन्ड को, डेटिव बॉन्ड। और बेटे अगर मैं ऐसा दिखाऊं तो स्मार्ट बनने की कोशिश कर, ये कौन सा मॉलिक्यूल लिख दिया मैंने, ओजोन, ओजोन के अंदर एक डेटिव बॉन्ड है, है ये भी शेयरिंग से बना है, बट ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ से आ रहे हैं, एक ही तरफ से आ रहे हैं, तो इसको डेटिव बॉन्ड। अब इसको क्या बोलोगे, बेसिक स्पेस, लुईस बेस, और इसको क्या बोलते हो, लुईस एसिड, लिखोगे ना, बेस इज डोनेट, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, गुड। और पढ़ के बताओ, कोई टेस्ट थोड़ा हो रहा तुम्हारे का, टेस्ट तो जिस दिन होगा उस दिन उसकी बात करेंगे, इट इज एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, गुड बेटा, मानने के लिए ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्टर। अब ये ओजोन को दोबारा बना देते हैं आपकी रेफरेंस के लिए, है ना, समझ आ जाएगा तुम, यस यस। अमोनिया लॉन पेयर किसके पास है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन,
हाइड्रोजन के पास, अमोनिया के पास। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ए वाला, जिसको मैं अभी डार्क कर रहा हूं, ये उठता है और किसकी तरफ चल जाता है? BF3 की तरफ। दैट इज अमोनिया और BF3 में कौन सा बॉन्ड है दोस्तों? इस बॉन्ड को क्या नाम देते हो? बिल्कुल ठीक बोला आपने, हिला मत के रहो। जब कोऑर्डिनेट बोला तो कोऑर्डिनेट बोलते हैं, मैं कभी कभार डेटिव बोलूंगा, कभी कभार कोऑर्डिनेट बोलूंगा। तो दैट इज द डेटिव बॉन्ड। आई विल नॉट गो बियॉन्ड दैट बिकॉज मुझे बैक बॉन्डिंग समझानी है। बैक बॉन्डिंग में एक बार दिखा रहा हूँ कि अगले टॉपिक में क्या आ रहा है। ये चुप तेरे को बता रहा था ना कि बस थोड़ी देर फेथ रख, रिमेम्बर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, याद है बच्चे? यस यस बताऊंगा। ये देख दोस्त, तेरे एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल बैठा हुआ। ये वैसे ही दिखा रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड जो तुमने नहीं सोचा था वो भी आ रहा है। देखो तुम इसी बैकग्राउंड से सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इन सबके तुम स्ट्रक्चर बनाने सीख ठीक। ये सब कुछ होते हुए फॉर्मल चार्ज में लेके जाना होगा। डू यू अंडरस्टैंड इस फिगर की अहमियत, समझते हो? यस सर। क्लोरीन, सात इलेक्ट्रॉन थे, भागा भागा फिर रहा था, कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दो, एक इलेक्ट्रॉन दे दो, सामने से दूसरा फ्लोरीन आ गया, इनका ऑक्टेट भर गया। अब ये मोक्ष की प्राप्ति को जा रहे हैं, मोक्ष सल्वेशन, भक्ति कर रहे हैं, बिकॉज नोबल गैसेस जीवन मरण के चक्र से ऊपर उठ गई है। दैट इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा। देन तुम्हें कोवेलेंट बॉन्ड के सिग्मा एंड पाई में ले जाऊंगा। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल से होते हुए हम नई चीज में एंटर करेंगे। So lots of things has to be discussed. Just a conclusion. और सुनो, बिल्कुल टेंशन लेके नहीं देखने का है, बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी है। Read it like a novel. That is what I ask. है ना? जितना बिल्कुल नॉवल के जैसे पढ़ोगे, बार बार पढ़ो, रिपीट करो, यू विल बी बेनिफिटेड। सो दैट इज द वे यू शुड बी रीडिंग। वी स्टार्टेड विद कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज bond formed by mutual what sharing of electron, the mutual sharing of electron. We reviewed whatever we did in the last class. Periodic table is hub है। आपको समझ आ रहा होगा कि अगर आपको tin के पास चार electron नहीं पता है, you cannot answer stannic chloride में how many bond pair, how many lone pair will be there. So please pick up the periodic table. Cause of chemical bond formation, octet and lowering of energy को हमने देखा। हालांकि मैं हर चीज को ऊपर बढ़ाता रहूंगा, octet की भी exception आपको बताएंगे और energy की positivity होनी भी आपको सिखाएंगे। Only valence electron participate in the bond formation. Valence electrons, ionic bond last class में किया, non-directional था। Covalent bond is a directional है। Directional का क्या मतलब होता है? अगर आप ऑक्सीजन को देखें, वाटर को देखें, ऑक्सीजन के लेफ्ट एंड राइट पे आना चाहिए दोनों हाइड्रोजन। अगर आप बीच में हाइड्रोजन रखेंगे तो बॉन्ड कभी नहीं बनेगा। कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड वॉज डिस्कस्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में हम आगे बढ़े। इट इज गोइंग टू बी बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंगल बॉन्ड one electron each, double bond two electron each, triple bond three electron each, bond pair lone pairs were introduced. Lone pair is very important thing. Electron pairs, bond pair, lone pair. आप लोगों को different different तरीके से हमने lone pair और bond pair calculate करने सिखाए। That will be really an important thing to come. अभी ये आ रहा है, इस तरीके के हमने कुछ structures कराए, एक बार बनाना, आगे आगे चलेंगे, ठीक होता रहेगा। बॉन्ड पेयर, लॉन्ग पेयर भूलने का नहीं है, ये और प्रैक्टिस से हमने बढ़ाना है। इमीडिएटली यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट सेंट्रल एटम के ऊपर कितने लॉन्ग पेयर और बॉन्ड पेयर होंगे। ये जो फॉर्मूला आपकी आंखों के आगे चल रहा है, दिस इज यू हैव अर्नड, आप लोगों का है। सो डोंट शेयर इट विद एनीवन एल्स, आपका मार्जिन बनेगा। कंपटीशन में एक स्पिरिट होनी जरूरी है जीतने की। डू नॉट काउंट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन। अभी ये मत सोचना क्या क्यों करवाया था, ये सोचना कि कोई चीज सिखाई थी आपको फायदा होगा। डू नॉट काउंट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन अगर वो सेंट्रल एटम नहीं है। बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स में बॉन्ड लेंथ, राइट, कुछ बॉन्ड आपको लेंथ दिखाई गई। डाटा याद कराना मेरा बिल्कुल मुद्दा नहीं है, कभी भी आपसे नहीं पूछूंगा।
जितसे जैसे लॉन पेयर बढ़ेंगे द बॉन्ड इज गोइंग टू बिकम वीकर बिकॉज लॉन पेयर आपस में रिपेल करते हैं. Bond enthalpy is the energy required to break one mole of the bond in gaseous state. Then we discuss that if a polyatomic is going to be there, then the bond strength is going to be the averageized. आप सबको total करिए और divide कर दीजिए आपने कितने bonds बनाए थे. That will be the bond average आ जाएगी strength. बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स अपॉन छोटा साइज बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी जितने जितने बॉन्ड ज्यादा होंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट सिग्मा और पाई बॉन्ड सिग्मा ज्यादा मजबूत बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड बहुत कमजोर बॉन्ड होगा ऐसा हमने आपको नहीं सिखाया अभी आना है. कैटेनेशन इज द टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड विद इटसेल्फ नीचे जाते जाते क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कम होती है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी कम होती है ऐसा सिर्फ कार्बन फैमिली में ग्रुप 14 में पाया जाता है. नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड एज कंपेयर टू फास्फोरस फास्फोरस सेम थिंग हैपन विद ऑक्सीजन एंड सल्फर द सेम थिंग हैपेंस विद द फ्लोरीन एंड फ्लोरीन 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 बॉन्ड इज वन ऑफ द वीकेस्ट सिंगल बॉन्ड वन ऑफ द वीकेस्ट. फ्लोरीन एक ऐसी चीज है जो बस अपने साथ मजबूत बॉन्ड नहीं बनाती है किसी दूसरे के साथ अगर ये चिपट जाए तो ये इतने स्टेबल बॉन्ड बनाती है कि ये इतनी एनर्जी पैदा करती है कि वहां पे हमेशा आग लग जाती है और अगर ये किसी के साथ बॉन्ड बना ले तो किसी और को उसके ऊपर बॉन्ड नहीं बनाने देती. आप याद करो टेफ्लॉन कोटिंग आपके घरों के अंदर नॉन स्टिक कुकिंग वेयर अगर हम उसके ऊपर कुछ डालते हैं वो उसके साथ चिपकता नहीं है. ये फ्लोरीन की प्रॉपर्टी है. फ्लोरीन एक अजीबोगरीब चीज है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है. द बॉन्ड ऑर्डर वाज द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर आगे सिखाऊंगा. अभी आपको कई चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं सिखाई गई तो आप ये चोर रास्ते से उसका आंसर निकाल सकते हैं. जैसे इनमें से आपको सिर्फ एक का बॉन्ड ऑर्डर आता था यू कैन आंसर सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा. F2 एंड O2 माइनस 2 आप कहेंगे जी इसका बॉन्ड ऑर्डर भी हमारा सेम ही होने वाला है. बॉन्ड एंगल इज द एंगल बिटवीन टू नियरेस्ट बॉन्ड पेयर और बॉन्डेड एटम्स दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल थिंग. Coordinate covalent bond is a type of covalent bond that is formed by unequal sharing of electron. Unequal. Ek taraf se electron pair aate hain. The ammonia mein, this is the Lewis base and H plus is the Lewis acid. Kuch molecules, species dikhai gayi molecular, jinke andar aapko dative bond bataya gaya. Aapki knowledge hai. लिख के रखना है आपसे पूछेंगे हम के ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा है अमोनिया BF3 एडिशन प्रोडक्ट के बीच में बॉन्डिंग कैसे है राइट. इन सब के लिए यहां से मैं अगली क्लास में शुरू करूंगा. डेटिव बॉन्ड कैन बी इंटरमोलिकुलर दिखा चुका हूं एंड इंट्रामोलिकुलर नोन एज बैक बॉन्डिंग विच विल बी कमिंग इन द नेक्स्ट क्लासेस राइट. सो दैट विल बी विद द एजेंडा of the next class. So for the time being, my dear friends, it is good luck and thank you for being here. God bless you. Khoob sari tarakki karo. Theek hai bachcho. Bye bye. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, Gudiya. Thank you, sir. Bye. Bye, Kadam. Thanks. Thank you, sir. Good luck.